के साथ। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए आज वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में कड़ाह पूजन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर दूर दराज से लोग कड़ाह पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इस पूजा की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी आयोजक मंडल ने कड़ाह पूजन के कार्यक्रम को करवाया। बता दें कि शनिवार और रविवार को प्रशासन की तरफ से वीकली लॉकडाउन भी लगाया गया है। इसके बावजूद कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। कोविड 19 के गाइडलाइन को तार तार करते हुए कड़ाह पूजन का आयोजन किया गया। इस कड़ाह पूजा का उद्देश्य यह है कि जो भी कोरोना महामारी से जो भी पीड़ित आदमी हुए हैं या जो भी मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी व्यक्ति इस समय सही हुए हैं भगवान उन सबको हमेशा सही रखे, और यही कामना करते हैं कि इस पूजा से ये है कि जब माँ काली का प्रकोप जब प्रचंड रूप में आया था तो देवी देवताओं ने ये कड़ाह पूजा करके उनका प्रकोप शांत किया था। तो इस उपलक्ष्य से माना जाता है गुरुवर और साधुओं के अनुसार कि कड़ाह पूजा कराई जाने से कुछ उपाय हो सकता है। एलटी कॉलेज के ग्राउंड में कोरोना बीमारी के समूल नाश के लिए कड़ाह पूजन का विधिवत आयोजन किया गया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं आयोजक का कहना था कि कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कराया जा रहा है कड़ाह पूजन। कोरोना महामारी के विषय में है और ये सामूहिक पूजा है कि कोरोना महामारी से हमको जल्दी से निजात मिले। ये पूरा ग्रामवासी, मोहल्लेवासी, नगरवासी और देशवासियों के जो हित के लिए ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमारे पाँचू वीर बाबा, हमारे डी बाबा हैं। जो भी कार्य होता है हम लोगों के यहाँ पहले इन्हीं के यहाँ से शुरुआत होती है, इन्हीं से परमिशन लिया जाता है और इन्हीं के यहाँ से जो है कार्य शुरू होता है। तो कोरोना महामारी की जल्दी से उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने ये सामूहिक पूजा रखा है। तरफ कोरोना के खतरे को देखते हुए वाराणसी में लगाया गया है वीकेंड लॉकडाउन। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कड़ाह पूजन शहर के अंदर करवाया गया। के साथ।